लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान है। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि विकास भाई लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको क्या कहेंगे सर? देखिए, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार लोग आने चाहिए, कर्मठ लोग आने चाहिए, तभी एक वास्तविक परिवर्तन होता है। जिस परिवर्तन की कल्पना मैं करूं, जिस परिवर्तन की बात मैं करूं, केवल राजनीति से संभव नहीं है। अच्छे लोग आ भी जाएंगे तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक समाज नहीं जागेगा, एक एक व्यक्ति को हम नहीं जगाते, पद धारण से बहुत बड़ी भूमिका, इसलिए बड़े प्रयास में मैं अभी लगा हूं और सभी का साथ चाहता हूं। सर, 10 दिसंबर को होने वाले बेगूसराय में लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले जो कार्यक्रम होना है, उसको लेकर सभी युवाओं से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान है जिसका उद्देश्य है कि अपने जीवन काल में बिहार उत्कर्ष पर स्थापित हो। जब भारत का लक्ष्य है 2047 में हम विकसित राष्ट्र बने, तो निश्चित है बिहार के बिना संभव नहीं है। और बिहार विकसित होने का मतलब है कि हर बिहारवासी, उसके लिए बिहार में ही हम उचित शिक्षा और उचित रोजगार उपलब्ध करा सकें। संख्या पर यदि जाते हैं तो आज बिहार में लगभग 9 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। यदि बिहार को विकसित होना है तो इसका मतलब हुआ है कि अगले 2 दशकों में 9 करोड़ लोगों को शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है। और इसके लिए यदि वर्तमान में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, जिस प्रकार से हमारे युवाओं की सोच है, हम यदि सोचते हैं और केवल सरकारी नौकरी तक सीमित रहेंगे तो कितने लोगों को हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं? किसी की भी सरकार आ जाए तो कुछ लाख लोग, और यदि प्रतिशत में देखें तो 1% से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो इस बहुत सारे ऐसे चिंतन के बिंदु हैं जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और समाज को प्रेरित करने का प्रयास करें कि जब तक उद्यमिता का विकास नहीं होता है, जब तक हम अपने गांवों में, पंचायतों में, विद्यालय में, महाविद्यालय में उद्यमिता को कैसे हमारे युवा अपनाएं, कैसे उद्योग लगा सकें, कैसे वाणिज्य का विकास हो, तो यदि इस प्रकार की वैचारिक क्रांति, उद्यमिता की क्रांति नहीं आती है तो निश्चित है कि बिहार के विकास की जो बातें हैं वो संभव नहीं होंगी और पलायन लोगों को करना पड़ेगा रोजगार के लिए। लेकिन विकसित बिहार यदि बनाना है तो सभी को मिलकर करना होगा, जाति संप्रदाय हर भेदभाव से ऊपर उठकर बिहार के लिए योगदान करना होगा। अभी तक लेट्स इंस्पायर बिहार में करीब 75,000 से अधिक लोग जुड़े हैं और 1,000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन सभी कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जो सभागारों तक सीमित रहे हैं और पढ़े लिखे सोशली एक्टिव लोग जुड़े हैं। लेकिन उद्देश्य है कि बिहार को यदि बदलना है तो हर गाँव के हर जन तक पहुँचना होगा, हर नगर के हर जन तक पहुँचना होगा। इसी उद्देश्य से एक बड़े कार्यक्रम का श्रृंखला का प्रारंभ हम लोग बेगूसराय की राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से 10 दिसंबर को करने जा रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग चाहिए, अच्छी संख्या में लोग आएँ, अभियान के संदेशों को समझें और अलग अलग जो चिंतन के बिंदु हैं कि तब जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, यदि बिहार उस प्राचीन काल में पूरे अखंड भारत को स्थापित कर सका, अग्रणी था, तो उसके कारण क्या थे? यदि स्पष्ट रूप में सोचेंगे कि क्यों ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले हमारे यहाँ नालंदा, विक्रमशिला स्थापित थी, तो समझ में एक ही बात आती है कि बिहार की सोच अलग थी। जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद का संघर्ष आज हम देखते हैं, उस प्रकार का संघर्ष उस काल में नहीं दिखता, उससे परे हम तभी उठ चुके थे। यदि देखिए तो मगध में नंदवंश का उदय हुआ, जो सबसे निम्न वर्ग से आते थे शासक बन सके, ऐसा पूरे विश्व में उस काल में हम नहीं देखते कि निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक बनने की सोच सके, लेकिन बिहार की सोच अलग थी। इसीलिए उत्तर बिहार में, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी, 7,707 गणराजा चुने जाते थे उस प्राचीन बिहार में, और उस पूरे वज्जी महाजनपद के क्षेत्र से चुनकर वैशाली में अपने गणाधिपति को प्रतिवर्ष चुनते थे। एक सहयोग की भावना, जिसमें हम लोग उस काल में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी इस प्रकार से जुड़े थे, तभी तो आगे बढ़ रहे थे। और आज जब टेक्नोलॉजी भी है, रोड भी है, और तब यदि हम सबसे पिछड़े हैं, बाहर जाते हैं तो बिहारी बोलकर चिढ़ाए जाते हैं, जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया? 9th में थे, यहीं बरौनी से पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई थी, बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, और तभी मन में संकल्प लगा था कि कुछ अपने जीवन अवश्य करूँगा जिससे यदि बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक हो जाए तो अपने जीवन को सफल मानूंगा। तब से ही प्रयास में लगा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, लेकिन बाहर नौकरियाँ भी लगीं, हृदय बिहार में बसता है, इसीलिए पूरे बिहार में हर ज़िले में आज प्रयास कर रहा हूँ कि युवा हमारे जगहें और मिलकर बिहार को प्रेरित कर बिहार को बदलने में, उसको उत्कर्ष पर स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएं। सर, एक सोशल मीडिया में खबरें चल रही थी कि विकास भाई सर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको क्या कहेंगे सर? देखिए, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार लोग आने चाहिए, कर्मठ लोग आने चाहिए, तभी एक वास्तविक परिवर्तन होता है। लेकिन जिस परिवर्तन की कल्पना मैं करूं, जिस परिवर्तन की बात मैं करूं, केवल राजनीति से संभव नहीं है। कुछ अच्छे लोग आ भी जाएंगे तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक समाज नहीं जागेगा, एक एक व्यक्ति को हम नहीं जगाते, तो कुछ लोगों के किसी पद धारण से बहुत बड़ी भूमिका, इसलिए बड़े प्रयास में मैं अभी लगा हूं और सभी का इसमें साथ चाहता हूं। थैंक यू सर।